नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो लीजिए, आप देख सकते हैं ये है पुडला सैंडविच, महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस सैंडविच, स्ट्रीट फूड, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनकर ये तैयार होता है। बहुत ही चटपटा और मजेदार है। इसको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं, कभी भी जब आपका मन चाहे तो आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हम लेंगे एक बोल और इसके साथ ही हम लेंगे एक कप बेसन। ये एक कप हमने मेजरमेंट करके एक कप जो है हमने बेसन का ले लिया। इसके साथ ही हम लेंगे एक स्ट्रेनर और इसके ऊपर बोल के ऊपर इस तरह से रख देंगे। बेसन को इसके अंदर डाल देंगे और इसको छान लेंगे। इसको छानने का बहुत ही प्लस पॉइंट है कि जब हम इसको घोलेंगे तो उसमें किसी प्रकार के कोई भी लंप्स नहीं होंगे। अच्छे से हमने इसको स्ट्रेन कर लिया। इसके अंदर अब हम डालेंगे अपने मसाले। मसालों में सबसे पहले हम इसमें डाल लेंगे नमक। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। मैं इसमें तकरीबन जो है ये आधा चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल रही हूँ। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, वो भी डालेंगे तकरीबन आधा चम्मच के करीब। आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/3 स्पून से थोड़ा सा हल्का ज़्यादा हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। आजकल धनिया बहुत है बाजार में, तो थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम जो इसका एक गोल बना लेंगे इस तरह से। ये आप देख रहे हैं क्योंकि हमने छाना हुआ है, आराम से जो है गोल बन रहा है, बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा इसको और पतला करेंगे। हमने इसका गाढ़ा नहीं बल्कि पतला गोल बनाना है। बहुत थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से इसको इस तरह से मूव करेंगे। तो लीजिए, गोल हमारा तैयार हो गया। इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला जो है हमने गोल बनाना है। ये देखिए, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी। तो गोल हमारा हो गया तैयार। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कोई भी एक कढ़ाई या कोई भी आप पैन ले सकते हैं। गैस को हमने कर दिया नीचे से ऑन, और कोई भी कुकिंग ऑयल आप घर में यूज करते हो वो आप यूज कर सकते हैं। तो मैं जो है इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। आप चाहे तो इसको बटर में भी बना सकते हैं। ये वेजिटेबल्स जो है, ये कच्ची वेजिटेबल्स भी कई लोग जो है यूज करते हैं, लेकिन मैं जो है थोड़ा सा इसको पकाकर फिर यूज करूंगी, इसका टेस्ट बेटर आता है। जो ये स्ट्रीट फूड वाले हैं वो इस तरह से बनाते हैं। तो लीजिए, हमने ऑयल डाल दिया, गैस को नीचे से ऑन कर दिया। इसमें एक बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, इस तरह से हल्का सा इसको करेंगे हम सॉटे। इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल हल्का हल्का जो है हमने इसको सिर्फ सॉटे करना है। बिल्कुल हल्का हल्का जो है इसको क्रंची रहने देंगे। लीजिए, इस तरह से आधे मिनट के करीब हम इसको इस तरह से करेंगे। आधा मिनट हो चुका है, गैस के फ्लेम हमारा फुल पे है। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक बिल्कुल छोटी सी गाजर। इसको हमने छोटे छोटे इस तरह से चॉप कर लिया, उस तरह से चॉप कर लेंगे। धोकर अच्छे से हमने जो है इसको चॉप कर लेना है। साथ में हम डाल देंगे इसमें गाजर। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक बिल्कुल छोटे साइज की शिमला मिर्च। इसको भी हमने इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लिया। ये भी डाल, इसको भी इस तरह से हिला लेते हैं अच्छे से। अब हम डालेंगे इसमें पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हमने लंबा लंबा जो है कट कर लिया। इस तरह से हमने इसको जो पत्ता गोभी है इसको डाल देंगे। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते तो इसको रहने दे सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे चुकंदर। ये हमने कद्दूकस करा है मोटी साइड से। कद्दूकस वाला जो होता है, जिससे हम कद्दूकस करते हैं, यानी कि जो हमारा ग्रेटर होता है उससे हमने जो है इसको ग्रेट कर लिया। ये देखिए, ये मोटी साइड से हम इसको ग्रेट करेंगे। तो ये इसमें डाल देंगे। एक छोटा सा पीस लेके हमने इस तरह से तकरीबन 3 चम्मच के करीब जो है हमने चुकंदर डाल दिया। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, कलर पहुंची हमारी जो है ये वेजिटेबल्स बन जाएंगी। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपने कुछ मसाले। मसालों में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक हमने बेसन में भी डाला हुआ है, इसलिए इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहें तो आधा चम्मच डालें, नहीं तो आप इसमें हरी मिर्च अगर आप खाते हैं तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। इसको हिला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब शंकी चाट मसाला। इससे चटपटा स्वाद आएगा और बहुत टेस्टी लगेगा। आधा चम्मच के करीब जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा है, ये जीरा पाउडर डाल देंगे। और आधा चम्मच के करीब गरम मसाला, इससे स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल 1/4 स्पून के करीब अमचूर पाउडर, थोड़ा खट्टापन देगा और स्वाद को और एनहेंस कर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक बिल्कुल छोटा चॉप करा हुआ टमाटर, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। इतनी अच्छी लग रही है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है। वेजिटेबल्स आप इसमें अपनी मनपसंद डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम हमारा फुल पे है, इसी तरह से फ्लेम को तेज रखेंगे। इसके अंदर हम डाल लेंगे अपने स्वाद के अनुसार मिर्चें। मैं जो है इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ तकरीबन आधा चम्मच के करीब, और इसमें डाल लेंगे ऑरिगेनो। ये मिक्स हर्ब्स हैं, गार्लिक ऑरिगेनो है, तो ये भी मैं इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो लीजिए ये हमारी तैयार हो गया मिक्सचर, गैस को कर देते हैं बंद। अब हम ले लेंगे एक तवा और गैस को हमने नीचे से कर देना है ऑन। जो बेसन हमने घोला है वो बेसन को ले लेंगे, और अगर आपको लगता है कि पड़ा पड़ा हमारा बेसन गाढ़ा हो गया तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है इसकी इस तरह की ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी ही होनी चाहिए। तो लीजिए ये बैटर तो हमारा रेडी है। अब हम ले लेंगे एक तवा और तवे के ऊपर हम इस तरह से तवे को ग्रीस कर देंगे ऑयल के साथ। आप चाहें तो इसको बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है इसको इसी तरह से कुकिंग ऑयल में बना लूँ। लेंगे बेसन और लेंगे ब्रेड, मैं वाइट ब्रेड ले रही हूँ, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ले सकते हैं, जो आपके पास हो अवेलेबल आप वो ले लें। और इस तरह से इसको डिप कर लें, इस तरह से पतला पतला बेसन इस पर चढ़ाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। इस तरह से हम एक और ब्रेड का पीस लेंगे और इसको भी इसी तरह से इस तरह से रख देंगे। अब हम लेंगे चम्मच, चम्मच की हेल्प से ये जो ब्रेड के बीच में ये गैप है इस तरह से इसको भी हम फिल कर देंगे इस तरह, और हल्के गैस पे जो है इसको इसी तरह से पकने देंगे। ध्यान रहे फ्लेम जो है बिल्कुल हल्का रखेंगे और हल्के फ्लेम में ही हमें इसको जो है इसी तरह से पकने देना। थोड़ा सा ऑयल साइड में और डाल देंगे अगर आपको ज़रूरत लगे, थोड़ा सा इसके ऊपर भी इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और इसको हल्के फ्लेम में इसी तरह से पकने देंगे। जब ये हल्का हल्का सा इस तरह से पकने लगे, आपको लगे कि साइड में से नीचे से ये हल्का हल्का जो है पक रहा है, तो ये जो हमने फिलिंग बनाई है ये इसके ऊपर हम रख देंगे इस तरह से, इस तरह अच्छे से जो है फिलिंग आप इसके अंदर डाल दें इस तरह। जितनी आप डालना चाहते हैं कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये फिलिंग हमने डाल दी इसके अंदर, और इसके अंदर अब हमने जो ये घोल बनाया हुआ है बेसन का इसको एक बार और हिला लेंगे और हल्का हल्का जो है इस तरह से इसके ऊपर घोल डाल देंगे। घोल हम इसलिए डालते हैं ताकि सब्जियाँ जो है हमारी बिखरे नहीं और चिपक जाए इसके साथ। लीजिए हल्का हल्का ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे इस तरह से। गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और इस तरह से तवे को हिलाते हुए जो ऑयल साइड में है उसको भी इस तरह से सेंटर में कर देंगे इस तरह से। जब आपको लगे कि अच्छे से ये पक रहा है थोड़ा सा उठाकर देख लें, जब आपको लगे ये उठ रहा है आराम से, और आपको लगे नीचे से हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है तो ही जो है हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा क्योंकि फ्लेम हमने हल्का रखा हुआ था तो ये हल्के फ्लेम में हम इसको हल्का हल्का और उसे और पकाएंगे। आप देख सकते हैं आसानी से ये निकल जाते हैं। गैस का फ्लेम आप तेज कर देंगे और तेज फ्लेम में हम सिर्फ इसको जो है 30 सेकंड्स के लिए रखेंगे।
30 सेकंड्स के बाद हम इसको आराम से इस तरह से उठाएंगे और इसकी साइड को टर्न कर लेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे इसको। देखिए कितना बढ़िया जो है इसका कलर आया है, हल्का सा हम इस तरह से ऑयल और लगा लेंगे। अब हम इसकी साइड को दोबारा मोड़ लेंगे इस तरह से, लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है। इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा हम बटर, इस तरह से बटर रख देंगे, ये अमूल बटर है ये रख देंगे। और इसको दोबारा एक बार जो है टर्न कर लेंगे इस तरह, बटर को इसके अंदर डाल दें थोड़ा सा इसको उठाकर, अगर आपका बटर निकल जाता है कोई बात नहीं, इस तरह से इसको हिला लें और अच्छे से सेक लें। बहुत ही बढ़िया टेस्टी जो है ये महाराष्ट्र का स्ट्रीट फूड है और इसी तरह से इसको बनाया जाता है, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो लीजिए आधा मिनट हो चुका है, हमने इसको इसी तरह से लगातार हिलाते हुए क्रिस्पी कर लेना है। साइड को चेंज कर लेते हैं, और अगर आपका थोड़ा सा बैटर निकल जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, इस तरह से इसको रख दें। अब हम डालेंगे इसके ऊपर चीज़, कोई भी आपके पास चीज़ हो आप वो डाल सकते हैं, मोजरेला चीज़ है मोजरेला डाल सकते हैं, मैं जो है इसमें प्रोसेस चीज़ डाल रही हूँ, ये इस तरह से इसमें ग्रेट कर देंगे। आपको मोजरेला पसंद हो तो आप मोजरेला डाल लें, जो आपको चीज़ पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। प्याज का फ्लेम बंद कर देंगे और इस तरह से जो है इसमें चीज़ डाल देंगे, तो चीज़ आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे और इसको सैंडविच को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये हमारा पुडला सैंडविच बनकर तैयार है, इसको निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा सैंडविच, इसको कट कर लेंगे इस तरह से। एक कट और मार लेंगे और इसको करेंगे सैंडविच तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए लग रहा है ना बढ़िया, ये देखिए बहुत ही बढ़िया जो है ये सैंडविच बनता है, पुडला सैंडविच तैयार होता है। इसको जो है इस तरह से सर्व करेंगे, इस तरह से बाजार में इसको इसी तरह से जो है सर्व किया जाता है महाराष्ट्र में, ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से नहीं, इसके ऊपर अब हम डालेंगे सेव इस तरह से। अगर आपने खाया होगा तो आप सभी को मालूम होगा कि इस तरह से सेव इसके ऊपर पड़ता है और इसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है थोड़ा सा इस तरह से कैबेज, ऊपर से हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी टमाटो केचप बिल्कुल हल्की हल्की इस तरह से, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती है। इसको और चटपटा बनाने के लिए बहुत मजेदार सर जो बाजार में करते हैं वो ये है कि इसमें डालते हैं हरी चटनी, तो इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी अपनी हरी चटनी इस तरह से। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा ये पुडला सैंडविच, बहुत ही बढ़िया टेस्टी पुडला सैंडविच बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि महाराष्ट्र में बनता है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।